बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ टेक में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि OTP क्या होता है, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है तथा OTP और TOTP में क्या अंतर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या अन्य किसी माध्यम से ऑनलाइन पैसे का लेन देन करते हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है जो हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है। और जब हम उस OTP को फिल कर देते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तो जानते हैं आखिर OTP होता क्या है। OTP एक प्रकार का सुरक्षा कोड होता है जिसके द्वारा यूजर को वैध प्रमाणित किया जाता है। यह पासवर्ड केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए इससे एक बार में एक लॉगिन सेशन और भुगतान का प्रमाणीकरण हो सकता है। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। OTP 6 अंकों का एक पासवर्ड होता है। OTP केवल 5 मिनट के लिए ही वैध होता है, यानी आपको 5 मिनट के अंदर ही OTP फिल करना होता है, अन्यथा OTP एक्सपायर हो जाता है। पारंपरिक पासवर्ड आधारित ऑथेंटिकेशन की तुलना में OTP तेज तथा सुरक्षित तरीका है। बात की जाए TOTP की तो TOTP का फुल फॉर्म टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड होता है। यह 8 अंकों का पासवर्ड होता है जो सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही वैलिड होता है। अगर आप TOTP को 30 सेकंड के अंदर यूज नहीं करते हैं तो वह एक्सपायर हो जाता है। TOTP बनाया नहीं जाता है, यह रैंडम रीजनरेट होता है। एल्गोरिदम के द्वारा यह कोड सिर्फ M आधार के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। TOTP का ऑप्शन हमें मुख्य रूप से जब दिखाई देता है जब हम किसी व्यक्ति का आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि OTP क्या होता है तथा OTP तथा TOTP में क्या अंतर होता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।